सलाम अलैकुम जी, मैं हूं डॉक्टर अजमल मलिक और एक मरतबा हाजिर खिदमत हूं अपना प्रोग्राम एक सवाल डॉक्टर अजमल मलिक के साथ लेकर। जी आप जानते हैं कि मेरे प्रोग्राम में हर मरतबा एक नया सवाल होता है और जवाब देने वाले मेरे वो फनकार, वो स्टार्स हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं, जिन्हें आप देखते हैं, लाइक करते हैं, और मेरी ये कोशिश होती है कि मेरे सवालों का जवाब वो फनकार दें। आज मेरे सवाल का जवाब देने के लिए आपका मन पसंद एक्टर असद मुखड़ा मेरे पास मौजूद है। मुखड़ा जी कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। माशाल्लाह आज तो माइकल जैक्सन ही लग रहे हो। नहीं जी, माइकल जैक्सन साहब भी एक बड़ी दुनिया है। मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि आप बड़ी दुनिया लग रहे हैं। थैंक यू, लेकिन वो बड़े हैं। माइकल जैक्सन एक सुपरस्टार थे। क्या बात, उनकी लुक ऐसे ही आज जैसे आपने लुक बनाई हुई है ना, तो अक्सर उनकी लुक कैसे हुआ करती है। हाँ जी, लेकिन उन जैसे मेरे से स्टाइल नहीं होते। अच्छा, वो बड़ी दुनिया। नहीं, वो मिथन चक्रवर्ती साहब भी अगर थोड़े वाल जरा थोड़े जे वड्डे होंदे तो वो भी उन्होंने भी इंज दी लुक होंदी। हाँ जी, मिथन चक्रवर्ती साहब पुराने पुराने मेरे ते पाने यंग बाहू। आज के दौर में कोई ऐसा इतना खूबसूरत हीरो आया नहीं जिसको आपके साथ मिलाया जाए। सर है क्यों? कौन है? नवाजुद्दीन सिद्दीकी। खूब अपनी शक्ल के साथ का एक्टर ढूंढा है असद मुखड़ा साहब ने। नवाजुद्दीन सिद्दीकी बहुत बड़ा और बहुत अच्छा एक्टर है। सवाल का जवाब देंगे जी? आप पूछें, आप टीवी देंगे या एलईडी देंगे? जवाब दूंगा। तो पहले एलईडी देते ने, उन्होंने किस्तां पूरियां करो। आपस च चलदा रहंदा जनाब। हां, उधार भी चलदा रहंदा। उधार मावां तीयां नाल भी हुंदा है। हां बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। तो सवाल आपसे ये है कि जिंदगी में जी कोई भी गेमें होती हैं, गेम होती है, कारोबार होती है, काम होता है, मोहब्बतें होती हैं, उसमें हार जीत तो होती है। जाहिर है जी, कोई भी गेम हो उसमें हार जीत होती है। तो आपको हारना अच्छा लगता है या जीतना? सवाल तो आपने बहुत दिलचस्प किया है, लेकिन ये पाकिस्तान है हमारा मुल्क है ना। अच्छा, यहाँ पे जीत को ज्यादा पसंद किया जाता है। क्रिकेट मैच हो रहे हैं, अच्छा अगर जीत जाते हैं ऑस्ट्रेलिया को, पूरी बल्ले बल्ले जियो तो ऐसे है, और कार तक पहुंच जाते हैं कि अज्ज मुंडे ने सेंचुरी बनाई है जी, जीते, बड़ी खुशी हुई। तो जो हारते हैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको क्या अच्छा लगता है, हारना अच्छा लगता है या जीतना अच्छा लगता है? मुझे हारना भी अच्छा लगता है और जीतना भी अच्छा लगता है। और बंदा जो हार हार कर जीते ना, अच्छा उसकी जीत का अपना ही मजा। वाह वाह, हार हार के जीतने का मजा हो रहा था। ये तो आपने कहीं दिल लगी वाली बात कर दी। दिल कभी लगाया ही नहीं ऐसी बात। किधरे मुखड़ा साहब इश्क होया हार गए हो, फिर होया हार गए हो, फिर किधरे कामयाब हो गए हो, तो उसकी खुशी है। सर अल्लाह तारी जुबान मुबारक करे, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होया और ना हो सकता। यानी कि आपको आस है, तमन्ना है। क्यों नहीं तमन्ना होनी चाहिए? मैं अभी जो कह रहे हैं कि अल्लाह आपकी जबान मुबारक करे, तो आपको कहीं पर कोई चीज ऐसी नजर आई है जहां आपका दिल आया है और आप उसे जीतना चाह रहे हैं? जी मैं बड़ी बड़ी चीजा जीतना चाह रहे हैं। बगैर छत तो गड्डी नहीं होती, लाल रंग की। हाँ, मैं बहुत प्यारी लग रही। वो जीतना चाह रहे हो? मैं जीतना चाह रहे हैं, भावे मैं फाद मुस्तफा दे शो च लै जाऊं। नहीं, वो लाल रंग की गड्डी जी दी छत नहीं होती, स्पोर्ट्स कार। हाँ जी, वो अकेली वो गाड़ी जीतना चाह रहे हैं या उसमें अपने साथ को बैठने वाली भी जीतना चाह रहे हैं? वही साड़ी जिंदगी बेगी, मेरी जान बेगी। अच्छा जी, अच्छा, वो कौन है आपकी जिंदगी, आपकी जान? मेरी बीवी है, मेरी वाइफ है। अल्लाह आपको बहुत लंबी जिंदगी दे और उन्हें भी सेहत तंदुरुस्ती दे। असल साथी तो वही होता है। हाँ जी, हाँ जी, और जिसका साथ बैठने में मजा आता है, और वो ही हार जीत जी असर मैंने में वही हार जीत। यकीन मानो, फिर उससे चोरी चोरी क्यों दिल करता है कि और जीत भी हो? उस्ताद जी मेरे घर लड़ाई ना पवा लेना। नहीं, दिल तो करता है ना कि नहीं, होर जीत होंदी है इंसान। हाँ, अपना घर बनाना। अच्छा, अपने घर च समान सजावट। सही, मतलब कि सारी जिंदगी आपने मेहनत की, पैसा कमाया, फिर उसके बाद एक अच्छा घर बनाया, उसमें एसी लगाया, टीवी है, अच्छा बेडरूम है, ये भी एक जीत है। ये भी एक जीत है।
मतलब आपको जीतना अच्छा लगता है? ये भी जीत है, अगर कोई मसलन की परेशान है ओदे काम आओ, मेरी तो आई हुंदी कि यार मेरे को 500 भी है ना या 1000 भी, वो भी किसी ने जरूरत दे दियो, जरूरत दे दियो, एदे च जीते, एदे च जीते, खरे ओदी की प्रॉब्लम है, उनु की मसला है? यानी कि ये इसे कहते हैं हार कर जीतना, हार कर जीतना। आपने वो 500 जीता और किसी को देकर हार गए, लेकिन वो हार आपको अच्छी लगी? है नहीं कि मांग पत्ते दे हार गए, वो जीत है ताडी। बात फिर वही आ जाती कि दिल कहां हारा है। दिल तो बहुत पे आता है। अच्छा, दिल चीज ही ऐसी है, दिल चीज ही ऐसी है कि दिल बहुत जगहों पर आता है। हाँ जी, ये दिल एक बहुत नाजुक होता है, आईने की तरह टूट जाता है। क्यों जी? कहाँ पे टूटा, सच बताएं? स्कूल टाइम में टूटा था। छोटे होंगे इस काम च पै गए तो? हाँ जी, साढ़े का मोहल्ले च आशकी मशूकी बहुत होंगी सी। तुहाडे मोहल्ले च आशकी मशूकी? नवी नवी साजन फिल्म आई सी। अच्छा, उन दिनों में बड़े मुंडे लम्बे लम्बे वाल रखे से। आपने भी रखे थे? नहीं, मेरे उदो होंदे ने। इलाज करा के हुए हैं फिर? पांचवी क्लास में ना दोस्त सी, चलो नाम नहीं लवांगा। यानी पांचवी क्लास में ही आपको इश्क हो गया था? हाँ जी, इश्क भी इश्क होता है कई किस्मों का, एक रूहानी होता है, एक जिस्मानी होता है। अच्छा, एक इश्क होता है कि तुसी किसे बुजुर्ग नहीं ला ली लो लग गई ताडी, एक इश्क रब ना ताडी बुजुर्ग नाल भी इश्क करदे? हां जी, मैं सैयद लाल बादशाह सरकार। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, चामरे वाले माशाल्लाह। वो पांचवी क्लास वाली जो थी वो? हां जी, वो फिर साडा उसका भाभी को पता है? नहीं नहीं, दसना भी नहीं? नहीं, क्योंकि वो स्कूल तक की सी। अच्छा, स्कूल तक। ये अब अगली जिंदगी को कुछ कुवार बनाने के लिए बता रहे हैं कि बाकी सिर्फ पांचवीं तक? डॉक्टर साहब आप बहुत फनी है। अच्छा, तुझे बहुत बड़ी गाल है। अच्छा, यानी कि है अभी तक? नहीं नहीं। अच्छा, नहीं, कभी कभार मोहल्ले में जाऊं अपने पुराने मोहल्ले में तो याद है आपकी। कभी कभार पुराने मोहल्ले जाते होंगे तो उस दरवाजे के सामने तो रुक जाते होंगे, कोशिश करते होंगे कि यही कहीं से। हां जी, दरवाजे के रोकने हैं वो पांचवी क्लास वाला चेहरा मिल जाए। हां जी, अब वो एने ने बच्चे भी आंदे ने जेड़े कहंदे ने मामू। यानी कि मतलब है कि ये भी एक हार है, मगर इसका भी अपना मजा है। एक मजा है, ये इंटरेस्टिंग होना चाहिए इंसान। अल्लाह पाक आपको जिंदगी में जितनी हारें दे वो मोहब्बत भरी दे जी, बल्कि आपको जिंदगी में हमेशा हर मौका पर वो हार दे जो गले में पहने जाते हैं, जिसे लोग दुनिया पसंद करते हैं। और सबसे बड़ी जीत ये है कि जेड़ा आजकल के दौर च अपना किचन चला रहा है, अपने बच्चे पाल रहा है और बगैर चोरी चकारी कीते हो हक हलाल दी रोटी कमा रहा है, अपने घर लेके जा रहा है, ओ इंसान दी सब तो बड़ी जीत। वाह वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत जी। नाजरीन, सवाल था हमारा हारना अच्छा लगता है या जीतना, और उसका जवाब दे रहे थे असद मुखड़ा साहब। असद मुखड़ा हमारा बहुत प्यारा फनकार है और इतनी खूबसूरत बातें और इतने खूबसूरत जवाब दिए असद मुखड़ा साहब ने कि दिल खुश हो गया, दिल बाग बाग हो गया। अब यही सवाल अब हम करेंगे अपने अगले फनकार के साथ। हम इजाज़त चाहेंगे आपसे भी, और बहुत शुक्रिया असद मुखड़ा साहब का जी, शुक्रिया, उन्होंने मेरे सवाल का जवाब दिया। दोबारा मुलाकात होती है। आप मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को टच करें यानी क्लिक करें, और मेरे हर प्रोग्राम को यूट्यूब पर एंजॉय करें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।